अस्सलाम वालेकुम, आज मैं मौजूद हूँ कलर्स ऑफ कंबाइन कराची में फार्म टू टेबल के एक और खूबसूरत और बहुत ही यूनिक किस्म के एक एपिसोड के साथ। यहाँ बेसिकली हनी बी फेस्टिवल हो रहा है। हनी बी फेस्टिवल ये हमारा एग्री टूरिज्म का दूसरा सालाना फेस्टिवल है, जो एग्री टूरिज्म के तमाम फेस्टिवल जो ऐसे ग्रुप के तआवुन से पूरे पाकिस्तान में कराए जाते हैं उसकी सिलसिले का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी एक फेस्टिवल है। हनी बीज़ के बारे में, हनी बीज़ को रखने के बारे में, डोमेस्टिक फार्मिंग के बारे में और कराची जैसे इलाके में, क्योंकि यहाँ मौसम गर्म है, एक पूरे साल ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ के हिसाब से जो हनी बी फार्मिंग है वो लोगों को सिखाई जा रही है। इस लेवल पे यहाँ पे नहीं हो रहा काम जितना होना चाहिए। उसके साथ पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट लोग आए हुए हैं इससे रिलेटेड, जो हनी बी की प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, और इसके अलावा जो कराची की काफ़ी सिविल सोसाइटीज़ के लोग ऐसे हैं जो दरख्त लगाने पे और दरख्तों को और प्लांटेशन पे जोर दे रहे हैं। और बड़ी बड़ी खुशाइंद बात यह है कि बहुत सारी जगहों पे अब कराची में ऐसे जंगल छोटे छोटे अर्बन फॉरेस्ट लग रहे हैं और इस तरह के काफ़ी लोग आए हैं। आए मैं आपको इन सब से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज हम जिस फार्म पे हैं उस फार्म के बड़े होनहार और यंग ब्लड अमीन नतानी साहब के बेटे अंसब नतानी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अंसब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं और क्या कैसे ख्याल आया इस जंगल में मंगल करने का? आज तो हम बहुत ही अच्छे हैं और जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये सारा इवेंट वगैरह जो है वो अल्लाह के हुक्म से और थोड़ी सी मेहनत से, एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट जो है उसकी थोड़ी सी मेहनत से और इन लोगों के सबके साथ से जो है एक ही इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया। और इसका आइडिया जो है जंगल में मंगल करने का जो है आइडिया वो इस कोविड ने ही दिया हमें, और कोविड ने ये सब एहसास दिलाया हमें कि ये चीज़ें जो है हमारी मतलब जो हमारी हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो इन्वायरमेंट है हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे लिए जो एक बेसिक और अच्छा इन्वायरमेंट होता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बस उसी को जो है थोड़ा देखते हुए एंड मेरे जो वालिद साहब हैं उनको, वो काफ़ी जो है नेचर लविंग है और उनसे ही जो है थोड़ा सा सीख सीख के और उनसे ही लेसन्स ले लेके जो है, और बाकी आप जैसे लोगों को जो है वो फॉलो कर करके जो है और इस तरह पहुँचे। और 2 साल की थोड़ी सी मेहनत है जो थोड़ा सा जो है। नहीं माशाल्लाह, आपकी जो मेहनत है वो तो नज़र आ रही है। मेहनत आपकी आपके जो फार्म्स में, आपके ऑर्गेनिक सिस्टम्स में, आपने जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे एक क्रिएट की है कि एक चीज़ से दूसरे को फ़ायदा मिले, दूसरे को तीसरे से फ़ायदा मिले, ये तो कमेंडेबल है। और ये एक आइडियल फार्म आपने बनाया है, मैं आप सबकी तारीफ़ करूँगा आपकी मेहनत की, क्योंकि फील्ड में आप होते हैं और आपके फादर की, जिन्होंने इस खूबसूरत से फार्म में आप सबको बिज़ी किया, और इस कम्युनिटी जो है ये आपकी शुक्रगुजार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जी हमारे साथ आज इस तमाम जो इवेंट है उसको जिन शख्सियत ने ऑर्गेनाइज़ किया है और इतना खूबसूरत सजाया है हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिसेस वजीहा सलमान और मेरी आईडी है वजीहा गुल के नाम से। और ये क्या ख्याल आया इतना खूबसूरत जो आपने ये अरेंजमेंट किए हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद क्या था? इसके पीछे यही मकसद था कि लोगों को अवेयरनेस देना अबाउट ऑर्गेनिक फूड के बारे में, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह के बारे में, और पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है अवेयरनेस की। लोगों को जब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती तो इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोगों को बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक फूड से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल जी, ऑर्गेनिक फूड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी सेहत बढ़ती है, आपके अंदर लेड की कमी होती है, आपके अंदर पेस्टिसाइड और जो केमिकल खादें हैं वो आपके जिस्म में खुराक के साथ नहीं जाती हैं और आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप ये बताएं कि ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, ये इसमें आप कब से हैं?
मैं पिछले 4 साल से इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की 36 ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान, और इंटरनेशनली भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हूँ। और बेसिकली मैं एक जो है बाय प्रोफेशन एक स्किन एक्सपर्ट हूँ, एक बिज़नेस कोच हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। उसके अलावा जो है और इवेंट ऑर्गेनाइज करने का इस तरह से स्टार्ट लिया कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मैम आप जो है हमारे लिए थोड़ा सा काम करें, हमें लोगों को बताएं, उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाई मैं इस साइट पे आई। आपको ये कनेक्टिविटी कैसे लग रही है कि फार्मर को हम कंज्यूमर से मिला रहे हैं और कंज्यूमर जो है वो आके फार्म्स के अंदर विजिट करके आपकी सब्जियां उगती भी देख रहे हैं, ये कैसा आपको फीलिंग आ रही है? इट्स गुड, इट्स चेंज फॉर एवरीवन, और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है। मैंने कहा ना आपसे स्टार्ट में कि ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने का, क्योंकि हम तो जाते हैं और जाके सब्जियां बाज़ार से मंगा लेते हैं या ख़रीद लेते हैं, हमें नहीं पता वो किस पानी में उगी हुई होती हैं या किस खाद या किस मिट्टी से उनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है और हम तक क्या चीज़ पहुँचाई जा रही होती है। यहाँ पर कम अज़ कम हमें ये अंदाज़ा है कि यहाँ क्या चीज़ लगाई जा रही है और क्या उगाई जा रही है और क्या चीज़ हमारे जो है वो जो है हमारे खाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम वेलकम। मैं मौजूद हूँ हमारे एग्री टूरिज्म के की जान साजिद सिंधु साहब, जो हमारे पंजाब के डायरेक्टर जनरल भी हैं और पूरे पाकिस्तान में किचन गार्डनिंग के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके जी? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बताएं ये सारी एफ़र्ट, ये सारे जो आप कर रहे हैं, अभी आप कुछ दिन पहले बलूचिस्तान से होके गए हैं फैसलाबाद और उसके बाद फ़ौरन आप निकले और दोबारा इधर आ गए। मैं जानता हूँ कि ये कितना बड़ा काम है बाई रोड सफ़र करना और इतना लंबे लंबे सफ़र करना, क्या वजह है इसकी, बैकग्राउंड में क्या मोटिव क्या है सारा? लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि एक पैगाम, एक मैसेज उन लोगों तक पहुंचाना जो कि ख्वाहिश रखते हैं इस एग्रीकल्चर की दुनिया में और ऑर्गेनिक्स में आने के लिए, ये बड़ा ज़रूरी था कि हम कराची में इस तरह का इवेंट जो है इसका इनेकाद करें। और एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध चैप्टर में हनी बी का पहला सेकेंड फेस्टिवल करके कमाल किया कि हनी जो है वो लगता किधर है, बढ़ता किधर है, इसको पैदा कैसे किया जाता है, शहद की मक्खी इसको कैसे बनाती है, ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस की गई, लोगों को सिखाई गई, ना सिर्फ दिखाई गई बल्कि लोगों को असली शहद जो था वो टेस्ट भी करवाया गया। तो इससे लोगों की लर्निंग बढ़ी, लोगों को ये पता चला कि शहद को घरों में कैसे तैयार किया जा सकता है और खालिस शहद की पहचान क्या होती है, जो कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कराची जैसे बड़े शहर के लिए जहाँ पर लोग ऑर्गेनिक्स और नेचुरल्स खाना चाहते हैं लेकिन उनके पास ये मौके दस्तयाब नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने। और कराची जिसको अब एक्चुअली लोग कंक्रीट जंगल कहना शुरू हो गए हैं, लेकिन एग्री टूरिज़्म और ऐसे ग्रुप का जो एंट्री हुई है कराची में और सिंध में, बड़ी खुशाइन है। और क्या मैसेज क्या देंगे कराची वालों को? जी मेरा मैसेज जो है वो कराची के तमाम लोगों को ये है कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में ज़रूर आया करें, फेसबुक के ऊपर ख़ासतौर पे आज की एक्टिविटीज़ को तलाश करें, इस वीडियो के ज़रिए उन तस्वीरों के ज़रिए नॉलेज लें और ये हम कराची के अंदर इस लोकेशन के ऊपर जो है वो अपना बेहतरीन किस्म का एक ऑर्चर्ड, एक बाग और एक किचन गार्डन जो है वो तैयार करके जा रहे हैं, जहाँ से आप हेल्दी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जहाँ से आप सीड्स ले सकते हैं, जहाँ से आप वो तमाम चीज़ें जिसकी किसी भी पढ़े लिखे बंदे को जो ऑर्गेनिक करना चाहता है ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको एक ही जगह पे दस्तयाब होंगी। और आप इस फार्म के ऊपर यहाँ पे अमीना थानी साहब का ये फार्म है यहाँ पे, और आप इसकी लोकेशन भी इनको शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग इसको आसानी से विज़िट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आपकी जो खिदमात हैं उसका हम लफ्ज़ों में तो नहीं कह सकते कुछ, बस हम आपका शुक्रगुजार हैं। और आखिर में जो आखिरी कलमात जो हैं आपके किचन गार्डनिंग के हवाले से लोगों को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घर हैं, छोटे घर हैं, छतें हैं, उसके बारे में थोड़ा मैसेज दें कि वो किस तरह कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग जो है जी बड़ा आसान सा चैप्टर है, घर की ज़रूरत के लिए सब्ज़ी उगाना। अगर आपके पास लॉन नहीं भी है, आपके पास शेड मौजूद है, बेल्कनी मौजूद है, आप बेल वाली सब्ज़ी लगा लें, बेलदार सब्ज़ी लगा लें। एक गमले में 4 पौधे टमाटर के लगते हैं जो कि 60 से 70 किलो तक टमाटर पैदा करते हैं। अगर आपके पास 4 गमले मौजूद हों तो आपको टमाटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेल्कनीज़ में, अपनी छतों पे, अपने लॉन्स में
अपने टेरेसेस पे जिधर आपको जगह मिलती है, और घर के अंदर किचन में आप लीफी वेजिटेबल लगा सकते हैं, जैसे कि धनिया लगा सकते हैं, जैसे सैलड लगा सकते हैं, अपने ट्रेज के अंदर, अपनी छोटी टूटी हुई बकेट्स के अंदर लगाएं। इसके लिए हम आज से कोई 15 दिन के बाद कराची में एक ट्रेनिंग कोर्स भी करवा रहे हैं जी। उस कोर्स में लोगों को बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि वो घर के अंदर किस तरीके से चीज़ें लगा सकते हैं। उस प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन में शामिल होने के लिए तमाम लोग जो हैं वो एग्री टूरिज्म और ऐसे गार्डन के तावन से वहाँ पर आ सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जुनैद भाई, आप यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे इस फार्म पे जो इस खूबसूरत जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? इस वक्त जो हम कर रहे हैं, ये हमारा हनी फेस्टिवल है 2021, सेकंड एनुअल हनी फेस्टिवल है। और इस फार्म हाउस पे अभी जो हम कर रहे हैं, एक तो बी कीपिंग के हवाले से हम थोड़ा सा पब्लिक में अवेयरनेस दे रहे हैं, ऑर्गेनिक के हवाले से काम कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग के हवाले से जो हमारा क्राउड आया हुआ है उसको हम इन सब्जेक्ट्स पे जो है वो ब्रीफ दिलवा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस हवाले से अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपने फार्म हाउस का जो है वो एक टूर करवा रहे हैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को। कितना ज़रूरी है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, कितना ज़रूरी है सेहतमंद खुराक जो है आपकी ज़िंदगी में कितना असर डालती है? सर, सेहतमंद खुराक यकीनन ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 100% जो ये इफ़ेक्ट डालती है, आपके इनर को सेटिस्फाइड करती है, आपके विजन को ब्राइट करती है, और ऑर्गेनिक जो है वो यकीनन एक एनर्जी डेवलप करती है। सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम इनसे बात करते हैं, फार्म का विज़िट कर रहे हैं और फार्म में और कुछ हनी बी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, अपना थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरा नाम यूसुफ वाइसरॉय है और मैं बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और इसके अलावा मेरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का काम है। दुनिया घूमी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हनी के हवाले से जो आज ये फॉर्म लग रहा है, मुझे इनविटेशन आया, अमीन जो यहाँ के चेयरमैन है, अमीन नाथानी कंबाइन ग्रुप के, उन्होंने मुझे कहा कि आपने विज़िट करना है और आपने लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करनी है हनी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है हनी के लिए, तो इस वजह से मैं हाज़िर हुआ। तो कुछ देर पहले आपसे गप लग रही थी, आपने बोस्निया का एक मिसाल पेश की, थोड़ा इस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा। देखें, जहाँ तक मैंने सर्वे किया और हनी के हवाले से, क्योंकि मैंने देखा कि जहाँ ग्रीनरी होगी, जहाँ फूल फुलवारी होगी, वहाँ पे आपको बीज मिलेंगे। तो हम जिस तरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम जिस तरह के पौधे लगा रहे हैं, उस हवाले से आपको पहाड़ी इलाके जो हमारे हैं उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि मैं बोस्निया गया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली पाकिस्तानी हु कवर्ड 30 कंट्रीज इन 30 डेज यूरोप के, तो उसमें एक मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो लगा वो लगा बोस्निया। और बोस्निया में सरायेवो से थोड़ा सा आगे है, 1 किलोमीटर आगे एक जगह है, वहाँ पे मैंने देखा, मेरे पार्टनर हैं दुबई के अहमद, उन्होंने वहाँ पे बोस्निया में फार्म लिया हुआ है, वहाँ पे फ़िश फार्मिंग भी कर रहे हैं और वहाँ पे जो है ट्रॉट फिश की फार्मिंग कर रहे हैं और ये हनी बीज की, तो वहाँ ग्रोथ अच्छी है, वहाँ हर सीज़न पर नई नई बीज आती हैं और वो अपना प्रोडक्शन वो करती हैं। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि आपको यहाँ जो प्रोड्यूसर हैं उनको देखना चाहिए कि वो वहाँ किस तरह की बीज आती हैं, किस तरह के फ्लावर्स हैं, किस तरह का इनहेलिंग करती हैं और किस तरह का हनी जनरेट करती हैं। बिल्कुल जी, जितना भी हनी बी कीपिंग है पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, और उसमें जिस तरह की बोस्निया की मिसाल दी गई, यहाँ पे जाहिर है एग्री टूरिज्म ऐसे ग्रुप एक कनेक्टिविटी का काम करता है। आज एक बोस्निया का एक्सपीरियंस हमारे सामने आया, हम इनसे डिटेल लेंगे और लोकली पाकिस्तान में जो फार्मर्स हैं उस तक पहुँचाएँगे। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक बड़ी ख़ास शख्सियत आज इस इवेंट को इंजॉय कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम फारूक उस्मान है। थोड़ा अपना तारुफ कराइएगा। मैं पेशे के लिहाज से बैंकर हूँ, और इसके अलावा मैं MLF पाकिस्तान का मेंबर भी हूं, और अमीन भाई हमारी MLF के एक रुकन भी हैं, इसके उन्होंने विज़िट का उन्होंने अरेंज किया था आज वो गार्डन फार्मिंग और हनी के बारे में, तो फिर मैं इसलिए विज़िट करना है। आपको कैसा लगा ये फार्मिंग और उनकी अमीन भाई की ये कोशिशें कैसी लगी? एक्साइटिंग, माशाल्लाह। जिस तरह अमीन भाई काम कर रहे हैं, हमें एक अमीन भाई काफ़ी नहीं है, इसके लिए काफ़ी लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हमें नेचर से करीब करती है। और अमीन भाई काफ़ी अर्से में जान रहा हूँ, तो अमीन भाई का एक्सपीरियंस इस हवाले से बेहतरीन है कि उन्होंने सिर्फ 1.5 साल के अर्से में इस इलाके में जो काम किया है वो, अगर हम कोशिश करें तो अमीन भाई को मैंने ये कहा कि अमीन भाई कम से कम मुझे चाहिए डबल से ट्रिपल होना चाहिए,
तो अमीन भाई का ये था कि लोग आते ही नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि आज का जो इवेंट हुआ है, जैसे ये हनी फेस्टिवल हुआ है, अब नेक्स्ट इनका गुड़ का फेस्टिवल है, तो उससे लोग आएंगे, लोगों को अवेयरनेस होगी और तो इस तरह काम बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक दो सालों के अंदर जो मैं समझता हूँ कि इससे 3 गुना काम होना चाहिए। और सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे रोज़गार के बड़े मौके खुल रहे हैं। अभी इनके जो फार्म हाउस है मैंने पूरा विज़िट किया, तो 28 से 30 लोग इस पर काम कर रहे हैं और सारे लोकल जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको भी उन्होंने रोज़गार दिया हुआ है। तो एक तरह से लोकल बिल्डिंग भी हो रही है और लोगों को इस अवेयरनेस भी मिल रही है, तो दोनों सूरतों में अच्छा काम हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है कम्युनिटी के लिहाज से भी और लोगों के रोज़गार के लिहाज से भी। कराची वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे किचन गार्डनिंग सिखाई जा रही है, छतों में लोग लगा सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कराची वालों को कोई पैगाम देना? यही बात हुई मेरी कि अब इतनी अर्बनाइजेशन हो गई है कि अब लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, तो अब जिस तरह ये फेस्टिवल होते रहेंगे लोग अवेयरनेस बढ़ती रहेगी। सोशल मीडिया का काफ़ी रोल है इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह और अमीन भाई के साथ 2-3 लोग और आ जाते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं तो लोग इस तरफ आगे होंगे। और ये असल में एक अवेयरनेस सेशन ही है बेसिकली, और हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरे लोग करें, हमें खुद इससे स्टेप लेना चाहिए और इस पर खुद काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इवेंट है और अल्लाह इनको कामयाब करे, और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि मज़ीद इवेंट होंगे और वो भी कामयाब होंगे। सर यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ जी दो बड़ी मशहूर शख्सियात हैं, एक का ताल्लुक दरख्तों से है और दूसरे का ताल्लुक मार्शल आर्ट से है, गौहर गुल साहब और शहरोज साहब। शहरोज साहब को ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, बहुत बेलोस खिदमत कर रहे हैं कराची शहर की। भाई आपको बहुत बहुत आपका हम वेलकम करते हैं, बड़ा वार्म वेलकम करते हैं आप दोनों का, आप लोगों की बड़ी खिदमत है। क्या कहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में? मैं बाबर भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने दावत दिया और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया आपने। बहुत प्यारा फेस्टिवल है, संडे का दिन है, माशाल्लाह फैमिलीज आई हुई इंजॉय कर रही है और देख रही है किस तरीके से सब्जियाँ वगैरह ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। हनी बीज के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, मैं तो कहूँगा कि ये सब्जियों की जो चीज़ें हैं ये अपने छतों भी ग्रो कर लें आप, तो वो जो ओरिजिनल सब्जियाँ इंशाल्लाह खाने को खुद मिलेंगी। हमारे साथ जी शजील भाई हैं, हमारे बड़े ही करीबी और बड़े ही बहुत ही बड़े मोहसिन, जिन्होंने ये सारा इस सारे कॉन्सेप्ट के पीछे, आज कराची के पीछे भी ज़्यादा हाथ इन्हीं का ही है। और थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों आपका ख्याल आया कि कराची में भी आना चाहिए और कराची में भी ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी बाबा राजा भाई। और सबसे पहले जो है ना, मैं आज के जो है ना पर्टिकुलर दिन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये चूँकि हनी का कौमी दिन है आज शहद का, और आज सेकंड हनी फेस्टिवल भी है। तो मैं किसी स्टडी में पढ़ रहा था कि पूरे पाकिस्तान में जो हनी की कंजम्पशन है वो उसका कोई नियर टू हाफ अकेले कराची में है, कोई 40% से प्लस नियर टू हाफ जो है ना कंजम्पशन। तो क्यों नहीं हम पंजाब में कर रहे, तो क्यों नहीं कराची को भी साथ लेके चले? फिर दूसरी बात जो है ना, वो मैं आपसे मुस्तार लूँगा कि आपने कहा कि यार यहाँ के लोग बड़े इनोवेटिव हैं, नए आइडियाज़ को हमेशा वेलकम कहते हैं, तो जहाँ नए आइडियाज़ को वेलकम किया जा रहा है तो क्यों ना उनको भी साथ जोड़ के चला जाए। और एज अ नेशन अगर हम जो है ना वो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम हेल्दी एक्टिविटीज़ को जनरेट करना चाह रहे हैं, अच्छा उन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम जो है ना वो इकोनॉमिक साइकिल्स को भी जो है ना ठीक करना चाह रहे हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन जो है ना, मैं हमेशा इकोनॉमी को जो है ना बड़ा जो है ना वो प्रायोरिटी भी देता हूँ। देखिए जब तक हमारी इकॉनमी ठीक नहीं होगी ना, इकॉनमी बहुत बड़ी सच्चाई है हमारी ज़िंदगियों में। हम फैंसी कोटेशंस और बहुत फैंसी जो है ना चीज़ों के ज़रिए जो है ना वो लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए उसको उनको इकॉनमी इंप्रूव करना ज़रूरी है। जैसे हम वो जो तारिक तनवीर साहब बात करते थे ना कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बन रहा, वो इसलिए नहीं बन रहा कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वो कह रहे कि भाई किसान के बेटे को उतनी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिहाज से देखता कि वो इतना ही टाइम लगा के इतनी ही एफर्ट लगा के कहीं और ज़्यादा पैसे कमा सकता है, कहीं और ज़्यादा बेटर लाइफस्टाइल ले सकता है। तो हमें ये सारे मिथ दूर करने हैं, हमें ये मिथ बनाना है कि ये उतना ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उतना ही हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी भी है, वो विन विन सिचुएशन है सर। हम जब ये सब चीज़ें यहाँ पे इंड्यूस कर रहे हैं, इसमें हनी वाला भी हो गया, फिर हम नर्सरी भी आपके तवज्जो से यहाँ पे ले आए हैं, फिर वेजिटेबल गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, फिर हम जो है ना यहाँ पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जो है ना वो एक कल्चर जो है ना वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ों को जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में जितनी ज़रूरत है ना, मेरा ख्याल उससे ज़्यादा शायद कराची वालों को ज़रूरत है। तो मैं हमेशा जो है ना कराची की सरजमीन का वैसे भी जो है ना बड़ा मोतरफ रहा हूँ कि इन्होंने हमेशा जो है ना पूरे जो है ना पाकिस्तान को वेलकम भी किया है, वो लिटिल पाकिस्तान भी हम इसीलिए कहते हैं इसको। तो बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके और बड़ा मुस्तकबिल ताबनाक नज़र आता है,
जो लोग जो है ना एफर्ट्स कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें नज़र आ रहा होता है। जब फ्रूटफुल हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। और जहाँ जहाँ ये फेस्टिवल होंगे, स्पेशली कराची होगा, तो मेरा कराची मेरा सेकंड होम है, तो मैं हमेशा आता भी रहूँगा। और जो है ना आप लोगों के तावन का जो है ना और सब चीज़ों का बहुत शुक्रिया। रजील भाई आपका जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आपकी जितनी भी मेहनत है उसके लिए भी हम आपके बड़े शुक्रगुजार। सर थैंक्स अ लॉट। फार्म टू टेबल के इस खूबसूरत एपिसोड के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे एक नए एपिसोड के लिए। आज आपने कराची में एक खूबसूरत सा एक शो देखा हनी बी फेस्टिवल का, कराची के या इस कंक्रीट सिटी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, जिसमें आपने इन्फ्लुएंसर्स देखे, आप लोगों ने नए नए लोगों से मिले जो यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे हनी बीज के लिए काम कर रहे हैं। और कितना बड़ा स्कोप है हनी बीज का, ये भी आज आपने सबने देखा। आपका मेज़बान बाबर राजा आपसे इजाज़त चाहता है अगले एपिसोड के साथ किसी अच्छी जगह, किसी और अच्छी जगह और किसी और अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।